ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। AICC के मुताबिक उन्होंने हमको जो जो डायरेक्शन दी उसके मुताबिक हमने सारी कमिटीज़ भी तैयार कर लिए, हमारी कमिटीज़ भी तैयार है और शीघ्र जो जो आवेदन पत्र हमारे पास आ रहे हैं अब उनको स्क्रीन करेंगे, उस पर गो थ्रू करके वील नो कि कौन कौन किस किस ने अप्लाई किया। आप जानते हैं कि अब तो 50% महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण है, तो महिलाएं आई थिंक 17 कैंडिडेट होगी जो महिलाएं होंगी, तो देखते हैं कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट और उसके मुताबिक जब हमारी वो तैयार हो जाएगी फिर हम उसको, हर्षवर्धन जी हमारे इस कमिटी के चेयरमैन हैं, फिर हम उन तक पहुँचाएँगे। अल्टीमेटली देन वी विल सिट एंड डिस्कस अमंगस्ट आवरसेल्व्स कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। डेफिनेटली अब एप्लीकेशंस तो कोई भी दे सकता है पर उसमें हमें देखना है कि कौन विनेबल कैंडिडेट है, किसको जनता चाहती है और किसको वो अपना काउंसलर के रूप में आगामी चुनाव में सक्सेस बनाने में वो सहयोग देंगे, तो इसके लिए हम उसको क्राइटेरिया को देखेंगे और उस पर गहन स्टडी करी जाएगी और जब हमारी तरफ से वो लिस्ट तैयार होगी और जिनको हम समझेंगे कि ये बेस्ट कैंडिडेट है फिर हम उसको हर्षवर्धन जो हमारे इस कमेटी के चेयरमैन हैं उन तक पहुंचाएंगे और जब वो उसको फाइनल कर देंगे उसके बाद फिर वी विल सिट एंड डिस्कस विद द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एंड माई सेल्फ विल ऑल्सो बी देयर। जो हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छी तरह से कॉपरेशन में काम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली इनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में ये बार बार इसको पोस्टपोन करते रहे और आगे आगे करते रहे। इनको ये उम्मीद थी कि विधानसभा की चुनाव हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी और तब हम इस इलेक्शन को करवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने इसको प्राथमिकता देते हुए ये कहा कि टाइम पर, टाइम बाउंड तरीके से ये इलेक्शन होने चाहिए, तो इसमें हमने इसमें कदम उठाया है और हम इस इलेक्शन को अब फेस करने जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जिस तरीके से लोगों ने पिछले विधानसभा में हमारे यहाँ के जो खास करके शिमला के जैसा ग्रामीण का और नक्सुमटी का या शिमला सिटी का हमारे विधायक जीत कर आए हैं और हमें उनका समर्थन मिला है, उसी तरह से हमें पूर्ण विश्वास है कि इन आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, कांग्रेस के जो सशक्त कैंडिडेट होंगे वो जीत कर आएंगे और हम कॉरपोरेशन में इसमें विजय हासिल करें।